दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खां। अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये मोकर से जो सासाराम पटना पथ है उसी के पास मोकर है। अब मोकर जो है उसी रास्ते से, मोकर से लोग आकाशी जाते हैं, गड़ूरा जाते हैं और बहुत सारा गांव यहां पड़ता है, करूप तक चले जाते हैं। इधर से आप सीधे अकोढ़ी गोला भी चले जाइएगा, रुदना है, बहुत सारा गांव है। लेकिन ये रोड जब हमने देखा, ये रोड की क्या समस्या है और यहाँ पर ऐसा क्यों है, मतलब हर बिहार का किसी भी इलाके में चले जाइएगा, वहाँ आपको रोड बिल्कुल चिकनी बढ़िया, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। जो लोग बाहर से भी आते हैं, अगर शादी ब्याह में या किसी मरनी में, किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो पथ है जो मोकर से कट के पूरब की दिशा में आकाशी जाती है, आकाशी में ऑलरेडी यहाँ पर एक मंत्री हैं, जो पहले भी वो मंत्री थी, बाद में अभी भी वो मंत्री हैं। अब हम जानना चाहते हैं, अनीता चौधरी हैं यहाँ की मंत्री, खुद उनका ये स्थान है, ये यहाँ से जीतती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इलाका जो है ये सासाराम विधानसभा में आता है, जिसके खुद राजद के विधायक राजेश गुप्ता यहाँ से विधायक हैं। उससे पहले अशोक, डॉक्टर अशोक भी जो है राजद से विधायक थे, वो जदयू में चले गए और जदयू में जाने के बाद वो राजद से ही हार गए, राजेश गुप्ता से वो चुनाव हार गए। अब ये रोड जो है, ये रोड सासाराम विधानसभा में आता है, इसके बाद आगे जाने के बाद नोखा का विधानसभा चालू होता है। अब ये किस टेक्निकल से ये रोड नहीं बन रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि कम से कम 5 वर्ष हो गया इस रोड को, ये जर्जर रोड है। ये रोड को देखने के बाद लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनका दिल कैसा होगा, मरीज जो आते होंगे वो मरीज किस तरीके से इस रोड पर चलते होंगे। यहाँ पर सारे लोग हैं, गाड़ी आ रही है जा रही है, लेकिन रोड का ये आलम है, रोड जो है किस तरीके का है ये समझने वाली बात है। बिल्कुल खंखड़ हो चुका है ये रोड और यहाँ पर पानी है, जो विगत 2 दिन पहले बरसात हुआ था और बरसात होने के बाद जो है पानी भी लगा हुआ है। अब पूरी रोड यहाँ से लेके वहाँ तक जो है खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ खुद ऑलरेडी अनीता चौधरी यहाँ से मंत्री हैं, उनकी सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार होते हुए भी ये स्थिति देखने को मिलती है। हम अपने कैमरामैन कामरान कुरैशी को कहेंगे कि थोड़ा सा और आप आगे आइए, और आगे आने के बाद थोड़ा इधर की तस्वीर भी लीजिए। आनिए हैं, और क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण सिंह नाम हुआ। ये रोड कब से खराब है? 10 बरस से ये रोड खराब है। इसी पर लोग चलते रहते हैं, तो कोई शिकायत तो किसी से नहीं किए? तो सासाराम विधानसभा में ये रोड आवेला ना? हाँ, जो है तो कहे के मतलब बाकी का आखिर वजह का बा ई रोड नीचे बनल? ये लड़का को कबा करता जो है ना, का करता वो है ना बात में दुगो कोई जी। हाँ, जो है ना तो को। अच्छा, तो ये रोड कितना दिन से ही कहे इतना रोड खराब है? दू नंबर का बना बनाते मतलब ऐसे ही लोग आना जाना करते हैं? 5 साल से बनने के बाद में 2 साल तो ठीक था, उसके बाद में एकदम बेकार हो गया। 2013 में बेकार है समझ लिए, 10 साल तक रोड ऐसा ही है। और मतलब फिर दोबारा रिपेयरिंग इसका नहीं हुआ? नहीं, दोबारा रिपेयरिंग नहीं हुआ है, दोबारा बनवे नहीं किया, ऐसा ही है। ये तो बड़ा ही कानम है, पूरा रास्ता ही जर्जर है क्या? 3 किलोमीटर तक खराब है, बमपुरवा तक खराब है, सारा खराब है, सारा खराब। मोकर से बमपुरवा तक ये रोड खराब है? हाँ, मोकर से बमपुरवा तक। और कभी शिकायत अनीता जी से हुई? वो तो मंत्री रही हैं। कहल बाबू पर्यटन मंत्री भी रही, अभी SC ST मंत्री हैं। कोई सुनवाई नहीं है। तो आखिर कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है ये रोड? पता नहीं। तो ये रोड बमपुरवा तक ये रोड खराब है? एकदम बमपुरवा तक। देखिए ये रोड जो है
मोकर के रास्ते यानी सासाराम पटना पथ से मोकर के रास्ते ये अकोढ़ी गोला चला जाता है बभनपुरवा होते हुए, और ये रास्ता बिल्कुल जर्जर है, खराब है। देखने वाली स्थिति है कि आज बिहार में रोड और बिजली के मामले में बिहार अव्वल हो रहा है। सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वाह रे आकाशी और रुदना और बभनपुरवा के लोगों का। कौन कौन गाँव है? हरवानिया, कुड़वा, मौडी, यहाँ सब इधर पड़ता है सब। अच्छा 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 सर, यही से रोड से सब कुछ जाता आता है। देखिए ये महिला है, इस सारे गांव का नाम बता रही है। हाँ। सब रोड मैंने ऐसे ही सब है, हरपुर, आकाशी, कुड़वा, मौडी, यहाँ सब पूरा गांव इधर है। कितना गांव बताए हम? खरवनिया, गोटपा, सब। हाँ, सारा सारा कोढ़ी गोला चले जाते हैं। देखिए इन लोगों की आपत्ति है कि क्या कहा जाए, इतना अच्छा रोज जाता है, रोज डेली उलटिए जाता है, आदमी घायल होता है, गोड़ टूटता है, हाथ टूटता है, आदमी उसी रहता है। नया गाड़ी हमारा टूट गया, 5 साल। देखिए यहाँ पर दिखलाइए, देखिए इनका कहना है कि ये गाड़ी जो है पलट के टूट गई है, इनका कहना है। 6 साल 2016 मॉडल का है, 16 मॉडल गिर के यहीं पर टूट गया है। क्या कहा जाए, मतलब बिहार में रोड की इतनी अच्छी स्थिति है, लेकिन बभनपुरवा में ये जो रोड है ये बहुत जर्जर है। रोड कब से खराब है? ये रोड बहुत दिनों से खराब है। आप क्या नाम है, ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं जी? तो मतलब कहीं शिकायत भी किया था आप लोग? शिकायत कहीं किया था? शिकायत बहुत जगह किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है बात। तो यहाँ तो मंत्री अनीता तो चौधरी जी, तीन मंत्री पहल नहीं करती हैं? नहीं, वो लोग नहीं मतलब पहल करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद निहाल अख्तर। अच्छा, बेटा तहार गाड़ियों गिर गए रह का? ना, गाड़ी नहीं गिरा था अभी। अच्छा, लेकिन खराब हो रही है? खराब हो रहा है, रास्ता बहुत खराब है। हाँ। रास्ता कभी कोशिश किया, कहीं बात तूत किया किसी से? मुखिया उखिया क्या करते हैं यहाँ? अब हम मुखिया कोई नहीं सुनता है। हाँ। तो कहने का मतलब है कि अनीता जी भी नहीं बनवा पा रही है रोड? नहीं, अब न जानेगी हम, उनके ना। तो कहने का मतलब है कि कोशिश तो करना चाहिए ना, आखिर क्या टेक्निकल है, क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज का निदान होता है, अभी रोडवे का निदान नहीं होगा जी? ये तो उनके ही हाथ में है, वो बड़ी अफसर, मंत्री, विधायक, कौन जानेंगी। अब हम लोग थोड़ी ना, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे, हम लोग को पढ़ना आना जाना है बस। लेकिन परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है ना, बहुत ज्यादा सबको, महिलाओं को, सब लोग को। हाँ, परेशानी हो रही है, बहुत सारे आदमी औरत तो पैदल ही जाती है, भाड़ा के चलते। रोड खराब है तो भाड़ा भी बढ़ा दिया है, भाड़ा भी बढ़ा दिया है, और गाड़ी गिर भी जा रही है पलट। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।